Hi subscribers, this is Nani Tikkam Videos. We are doing RRB NTPC Secunderabad zone. Abhi medical video ban raha hu. Previously I made document verification video. Ex-serviceman sir already diya document verification ki bare mein pure details. Ye video mein pura details document verification ki bare mein hindi mein bana chuka hu. Ye video bhi dekh lo. Abhi video mein मेडिकल के बारे में सारे डाउट्स आपकी सर बताने वाला हूँ. मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी आप कमेंट कर दीजिए, मैं भी आपकी रिप्लाई कर दूँगा. ठीक है ना फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा देख लिए. सर आपके बारे में थोड़ा बताइए और मेडिकल के बारे में पूरा क्या क्या सब्सक्राइबर्स की चाहिए, क्या क्या करना है, ओके क्या क्या कर सका है, सभी पूरा बोलिए सर. ओके, मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद मौर्य है. मैं यूपी बलिया से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ आया था. एक्चुअल में मेरा सिकंदराबाद जून से मैं भरा था अपना आरआरबी एनटीपीसी 2019, जिसके अंदर मेरा लेवल 5 में सिलेक्शन हुआ और मैं एक सर्विसमैन कोटा से बिलोंग करता हूँ. मेरा मार्क है 48.75, जबकि कट ऑफ गया हुआ है 48.5. मैं टाइपिंग से भी क्वालिफाई हूँ और मेरा डीबी जो है 5 दिसंबर को हुआ था, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में मेरी डीबी हुई थी. डीबी के बारे में मैं इससे पहले वाले वीडियो में सर को मैं बता चुका हूँ कि डीबी का ये प्रोसेस रहा है. मैं आज आपको मेडिकल ए टू जेड मेडिकल के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेडिकल का प्रोसेस क्या है, खासकर गुलटू डिवीज़न का. जो मेडिकल वहाँ सीरियल नंबर अलाट किए हुए हैं मेडिकल के लिए, वहाँ 61 से लेकर के 75, इट मीन 15 कैंडिडेट को पर डे यहाँ पर भेज रहे हैं. मेडिकल हो रहा है वहाँ, जिस दिन डीबी होगी उसके एक दिन बाद नेक्स्ट दिन जो है यहाँ पे मेडिकल शेड्यूल हो रहा है. 8 बजे यहाँ रिपोर्ट करना है. रिपोर्ट करने के बाद सबसे पहले खाली पेट में रिपोर्ट करना है, वो भी खाली पेट, विदाउट कुछ खाए पिए, ना चाय पिए हुए. कारण उसका है कि यहाँ शुगर टेस्ट भी होता है. जैसे हम 8 बजे रिपोर्ट करेंगे तो हमारा सबसे पहले हम आप जो भी आए हैं जो कागज़ आया लेकर के हम हेड क्लर्क के पास उसको सबमिट कर देंगे. उसके बाद वो पूरा कागज लेकर के एक एक वन बाय वन रजिस्ट्रेशन काउंटर से रजिस्ट्रेशन होगा. रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारा बीपी प्लस टेम्परेचर, वेट, हाइट, ये 4 चीज़ें चेक करके एक पर्ची पर लिख करके और वहाँ से हमें भेज देगा यूरिन टेस्ट के लिए. सर टेम्परेचर कैसा चेक किया? टेम्परेचर तो ऐसे यहाँ पे गुंटूर जिले में चेक नहीं किया, ऐसे ही लिख दिए. लेकिन फिर भी वो टेम्परेचर उनको अगर ज़्यादा लगता है, हाथ से चेक कर रहा है, अगर ज़्यादा लगता है तो अपने चेक कर रहा है प्रॉपर. ओके सर. कोरोना के वजह से, कहीं कोरोना वोना के वजह से वो चेक कर रहा है. ओके सर. अगर बाकी सब यहाँ ठीक है, उसके बाद आपको यूरिन टेस्ट के लिए जाना है. यूरिन टेस्ट में जैसे आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक स्ट्रिप देता है. ओके सर. उस स्ट्रिप के ऊपर आपको पेशाब डाल के लाना है. वहाँ जैसे ही आप लेके जाएंगे तो कलर अगर चेंज है तब तो आपका लिखेगा, नहीं चेंज है तो आपको वो बोलता है बाहर फेंक दीजिए और आपको वहाँ से करके दे देता है. ये प्रोसेस में मुश्किल से 2 मिनट लग रहा है, अधिकतम 2 मिनट, क्योंकि 1 बाय 1 कर रहे हैं. वहाँ से आपको भेज देगा, आप जाके बैठ जाएंगे. उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, जो मेन मेडिकल है, आई टेस्ट. हाँ, वहाँ पर जैसे ही डॉक्टर साहब आ रहे हैं, चेयर पे बैठा दिया जा रहा है, वहाँ पे जैसे ही डॉक्टर साहब रहा है, 1 बाय 1 उधर से नंबर बोल रहे हैं कि फलाना नंबर, फलाना नंबर, फलाना नंबर. उस नंबर को के ऊपर आपको जाना है. जाते ही सबसे पहले आपका पूरा कपड़ा उतरवा दिया जा रहा है, जिसमें कि आपका अंडरवियर छोड़ करके पूरा कपड़ा आपको ये किया जा रहा है. उसके बाद आपका बोला जा रहा है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि आप बैठिए, खड़े होइए, बैठिए, खड़े होइए, 2 बार करवा रहा है. उसके बाद आपका पैर को क्रॉस वाइज कर करके और बैठना होता है. उसके बाद फिर बिना सहारे के खड़ा होना होता है. ये मेडिकल का फर्स्ट स्टेप करवा रहे हैं. उसके बाद से आपका हाइड्रोसील चेक कर रहे हैं, तो हाइड्रोसील दूर से ही चेक कर ले रहे हैं, कोई मतलब टच वगैरह नहीं कर रहे हैं. और उसके बाद से जब ये होने के बाद से आपको कपड़े पहना दे रहे हैं डॉक्टर साहब. उसके बाद से आपको चेयर पर बैठा दिया जा रहा है और हाय फ्रेंड्स, आपकी बारे में मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ आपके पता नहीं. मैं इंटरव्यू लेने के बाद पूरा बारिश स्टार्ट हो गया गुंटूर में. मैंने गुंटूर से 50 किलोमीटर्स रन में बारिश में ड्राइविंग करके आया. मैंने पूरा बारिश में हो गया, मुझको थोड़ा ठंडा हो गया, पूरा ठंडा. आपकी पता नहीं मैंने कितना कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए.
मैंने मेरा घर पहुंचने के लिए 8 बजे हो गया कल, आप देख सकते हो मैं कैसे हो गया पूरा बारिश में, ओके ना, थोड़ा समझ कर दीजिए मेरा कष्ट, मेरा प्रयास केवल आपके लिए, मैं ये वीडियो पहुंच करने के लिए कितना कष्ट कर रहा हूँ आप पहुंच करने के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखिए मैं कितना कष्ट कर रहा हूँ, 50 किलोमीटर्स आने की जाने की, 100 किलोमीटर केवल आपके लिए, थोड़ा समझ कर कीजिए मेरा बात, ठीक ना फ्रेंड्स। ये वीडियो पूरा देखकर मेरा तो थोड़ा सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स, बाय। डिस्टेंस विजन चेक किया जा रहा है सर, आपकी हाइड्रोसील लाइट में करवा दिया और ब्लैक रूम में कर दिया? नहीं, मैं बिल्कुल लाइट में, नो प्रॉब्लम, या मतलब हाइड्रोसील को टच भी नहीं कर रहे हैं वो लोग, दूर से ही टार्च मार के, टार्च जलाकर देख अपना देख ले रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाइड्रोसील चेक करते समय बस साइड में मुंह करवा के खांसवाने, जोर से खांसने के लिए बोल, खांसना पड़ेगा हाँ, उसमें जब खांसते हैं तो ऑटोमेटिक जिसका हाइड्रोसील है वो पता चल जाता है दूर से ही, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उसके बाद से वहाँ से आपको डिस्टेंस विजन के लिए आपको चेयर पर बिठा देंगे, उसके बाद से वहाँ पे ओनली सी, ओके सर, सी 6x6 से लेकर के 6x36 तक पढ़वा रहे हैं, ओके सर। उसमें जैसे ही आप सी, उसके बाद सी को वो लोग रोटेट भी कर रहे हैं, हाथ से डॉक्टर साहब रोटेट कर रहे हैं भाई कट किधर है, राइट है, लेफ्ट है, अपर है, डाउन है। ये प्रोसेस होने के बाद से आपको नियर विजन एक बुक दे दी जा रही है हिंदी इंग्लिश दोनों में। सर आपका टी सेप है ना, ए सी टाइप, इसकी कितना बार पूछा इसी तरफ या इसी तरफ? इसके बार तो आपको मैक्सिमम बार, अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं 6x6 नहीं हो पा रहे हैं तो आपको मैक्सिमम बार कोशिश करेंगे ये लोग डॉक्टर, यहाँ के कोऑपरेटिव इतने हैं कि आपको मैक्सिमम बार करेंगे कि आप पढ़ लें, आप पढ़ लें। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ही पढ़ा था, मेरा चश्मा लगा हुआ है तो मैं लास्ट मेरा लेफ्ट आई थी 6x18 और एक आई थी 6x12, ओके सर, तो वहाँ तक मैं पढ़ा, मतलब थर्ड रो तक मैं पढ़ ले रहा था, okay, एक आंख से, और एक आंख से थर्ड रो भी नहीं हो पा रहा था, फोर्थ रो तक ही हो पा रहा था, okay, तो वहाँ तो इसलिए मेरे को 6x18 और 6x12 दिया हुआ है, okay, उसके बाद से वो करने के बाद नियर विजन दे रहे हैं, उसमें एक आपको बुकलेट दे देंगे, okay, मोटे अक्षरों से ऊपर से नीचे नीचे क्रम से पतले अक्षरों में नाम लिखा हुआ है, जिसमें शहरों के नाम, बड़े बड़े शहरों के नाम लिखा हुआ है, कुछ फ्रूट का नाम लिखा हुआ है, अगर आप पूरे हाँ अगर वो आप पढ़ ले रहे हैं तो आपके 6x6 है, नीचे का नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर उसी के अनुसार आपका जो भी लेंस है उसी के अनुसार आप लोग नियर विजन का भी दे रहे हैं, okay, उसके बाद ये होने के बाद से आपको ग्लास वाला में दिखा रहे हैं, ग्लास में वो दिखा रहे हैं आपको, लाइट बंद कर देंगे, उसके बाद छोटी छोटी लाइटें दिखाएँ, ग्रीन, येलो और रेड, तीन टाइप के लाइट, उस लाइट में आप अगर कलर पहचान लें तो ग्लास में देखना पड़ता है, okay, अंधेरा करके और एकदम बिल्कुल मतलब बिल्कुल बारीक समझिए कि सुई के नोक की बराबर, okay, बिल्कुल हल्का, येलो और रेड में आप लोग कन्फ्यूज होंगे, okay, लेकिन रेड बिल्कुल रेड होगा, okay, और येलो थोड़ा सा रेडिश लेकर के येलो होगा, okay, तो वो पढ़वाने के बाद आपको फिर उसके बाद लाइट ऑन कर देते हैं, उसके बाद आपको कलर विजन के लिए, okay, जो कलर विजन के लिए जो हेल्पर होते हैं वही आपको पढ़वा देते हैं, अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हो डॉक्टर साहब नोट कर लेते हैं। सर आप कलर विजन पढ़ाता है ना, बुकलेट है मैं, बुकलेट में क्या क्या चीज़ है? बुकलेट में आपको एक तो नंबर्स है, ओके, नंबर्स के बाद आपको कुछ डायग्राम बने हुए, एक ब्रश दे देंगे, ओके, बोलेंगे कि आप उस डायग्राम के अनुसार, ओके सर, आप जो है ब्रश को घुमाइए, ओके, तो हम ब्रश घुमाते हैं, लाइनिंग बनी हुई है, हाँ, रूट मैप कैसा चलता है, हाँ, वैसे ही हमें ऐसा, उसके बाद दो तीन ऐसे हैं जिसमें ब्लैंक है, सिर्फ डॉट डॉट है, उसमें कुछ भी कोई लेटर नहीं है, ओके, तो आपको मतलब चेक करने के लिए कि क्या है इसमें, कुछ नहीं है, तो अगर आप कलर विजन ठीक है नो प्रॉब्लम, ओके सर, अगर कहीं भी बंदा फंस रहा है कलर विजन में तो उसको तो रिफर करना है, ओके सर। उसके बाद से जब वहाँ से हो जा रहा है, हो जाने के बाद से आपको अपने स्टेथोस्कोप से अपना आपका हार्ट का पूरा चेक कर रहे हैं, okay, खांसी वसी जैसे ईसीजी नहीं यहाँ अवेलेबल होने के कारण वो स्टेथोस्कोप से ही चेक कर रहे हैं, okay, और करने के बाद आपका पीठ पे खांसवा करके और चेस्ट के ऊपर आपको चेक कर रहे हैं, okay, ये सब होने के बाद आप बोल देते हैं बाहर बैठिए, okay, बाहर बैठिए के बाद उसके बाद थोड़ी देर बाद बोल रहे हैं कि आप जाइए सिविल में एक्सरे करवाइए, अगर आपका फुट में कोई प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो रही है तो आपका एक नहीं दो दो तीन तीन एक्सरे भी करवाना पड़ता है। हम लोग गए तो हमारे बैच में लगभग 3 बंदे ऐसे थे जो कि दो तीन तीन एक्सरे भी करवाए,
मेरा तो एक्सरे का कितना हो गया आपका खर्चा? मेरा तो एक्सरे का मात्र 400 हुआ था, लेकिन जिनका 3 एक्सरे था उनका 2,000-2,400 तक भी खर्चा हो गया था। किसके कारण फ्लैट फुट के? उसके एक तो एक लड़का था जिसका दोनों पैर जो है फ्लैट फुट था, इसलिए उसको एक्सरे करवाया था फुट का। एक बंदा था जिसका कमर और चेस्ट का दोनों का करवाया था, इसलिए उनका अमाउंट बढ़ गया था। आपकी हम चलते हैं फ्लैट फुट भी चेक कर रहा है, हाइड्रोसिल भी चेक कर रहा है। ओके सर, सर फाइल्स चेक किया ना है? नहीं फाइल्स वगैरह नहीं चेक किया। ओके, और बाकी ये सब कुछ नहीं चेक किया, फाइल्स वगैरह आपका कोई भी चेक नहीं है सर। और कान ईयर, ईयर के लिए आपको बस दूर खड़ा करा देते हैं और धीरे साउंड में बोलते हैं कि आप जो मैं नंबर बोल रहा हूँ उसको रिपीट कीजिए, वो नंबर बोला जा रहा है, रिपीट हो रहा है, अगर रिपीट कर दे रहे हैं तो आपका कान फ्रेश है। अगर आप कहीं डाउट हो रहे हैं, नहीं हो बोल पा रहे हैं, तो फिर टॉर्च लगा के आपको देखा जा रहा है। ओके, बाकी ओके। कोई इक्विपमेंट से चेक नहीं हो रहा है। कोई वो बात किसी नंबर बोलेगा पीछे से नंबर पता सकता है? हमें पता नहीं है तो थोड़ा गड़बड़ है, टॉर्च लगा कर देखेगा। ओके सर ये सब होने के बाद आपको जब कंप्लीट यहाँ हो जाएगा प्रोसेस, तो आप एक्सरे करवा के करवाने के लिए भेज देगा। उसी समय आप जब एक्सरे करवाने जाते हो तो आप जो भी कुछ खाना खाया नहीं हो आप खा सकते हो, लंच कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जब एक्सरे आपको 1 से 1.5 घंटे में दे देगा, वो एक्सरे जब लेके आएंगे तो आपको यहाँ बैठा दिया जाएगा, एक्सरे सबमिट करेंगे तो बैठा दिया जाएगा। बैठाने के बाद से आपको फिर तकरीबन 4 या 5 बजे के आसपास आपको बोलेगा, नंबर बोलेगा। okay. जो बंदों का चश्मा लगा हुआ है, जो बंदे रिफर है A2 मेडिकल नहीं ये कर रहे हैं लाई, तो उन बंदों को सिकंदराबाद, यहाँ से सिकंदराबाद लालागुड़ा में रिफर, सेंट्रल हॉस्पिटल लालागुड़ा में रिफर कर रहा है। गुंटूर से वापस सिकंदराबाद जाना पड़ता है। तो जिन बंदों का हो जाता है अगर शाम तक 5 बजे तक, तो मेरा सजेशन ये है कि आप 6 बजे इंटरसिटी हो, 6:30 बजे उसको पकड़ के आप चले जाइए सिकंदराबाद। सिकंदराबाद नाइट में हाल्ट कीजिए और सुबह जा करके आप वहाँ रिपोर्ट कर दीजिए। आपके गुंटूर में एक दिन में पूरा करवा दिया? एक दिन में कोई भी 5 बजे में हम लोग रिजल्ट आया। हाँ ओके, किसी का अनफिट है तो उसके लालागुड़ा सिकंदराबाद में ट्रेन हो 6 बजे 6:30 पे इंटरसिटी है। okay. आपको 9:30 बजे वहाँ छोड़ देगी। okay. आराम से जाइए, रूम लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। okay. लेकिन अगर जो बंदे फिट हो जा रहे हैं, okay. वहीं से इनको बोल रहे हैं कि ठीक है आप फिट हैं, आप घर जाइए, सीधा घर जाइए। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई okay. दिक्कत नहीं है। okay, sir. जो अनफिट हो रहे हैं उनको लालागुड़ा जाने के बाद दूसरे दिन हमने रिपोर्ट किया, तो दूसरे दिन जो है बोला कि ठीक है 2:30 बजे डॉक्टर साहब आएंगे, 2:30 बजे से मेडिकल शुरू होगा। 2:30 बजे तक हम बैठे रहे, 2:30 बजे आए हम लोग, जो लेटर यहाँ से जो हमें फॉरवर्ड किया था सील करके, उसको खोलना नहीं है। okay, वो लेटर को ले जा करके उनको हैंड ओवर करना है, वो ओपन करेंगे, उसके बाद फिर से प्रोसेस आपका होगा आई टेस्ट वाली। ओके, डिस्टेंस विजन, नियर विजन। सर आपकी पहला वह सिकंदराबाद जाने के बाद कोई ड्रॉप अंदर आंख में कोई दिखाना है? वही मैं बता रहा हूँ सर कि सबसे पहले तो आई नियर विजन डिस्टेंस विजन आपका चेक होगा। okay. उसके बाद उसके चेक करने के बाद आपका अगर चश्मा लगा हुआ है तो लेंस पावर भी चेक होगा। okay, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे चश्मा भी बनवाने के लिए ऑर्डर देना पड़ सकता है। okay, जैसे मेरा ही नया चश्मा बनवाने के लिए दिया गया, क्योंकि मेरा चश्मा सिर्फ स्टडी के लिए था। okay, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं था, इसलिए मेरे को बनवाना पड़ा। okay, उसके बाद से अगर चश्मा बनाने के लिए नहीं देता है, फिर उसके बाद आपको ड्रॉप डालेगा, आई ड्रॉप डाल देगा। आई ड्रॉप वो भी 2 से 3 टाइम डालेगा। okay. बैठा देगा, उसके बाद से 1 घंटे बाद आपका फोंडस टेस्ट होगा। फोंडस टेस्ट में आपको क्या करेगा, आपको ले जाएगा एक मशीन पर बैठाएगा, मैडम करेंगी, वो लेजर से आपको लेजर डाल करके, और मतलब काफ़ी ब्राइट रोशनी होती है उसकी। okay. वो डालने के बाद से आपको टेस्ट कर लेना, टेस्ट करने के बाद से आप तकरीबन 1-2 घंटे तक आपको बहुत धुंधला दिखाई, बहुत प्रॉब्लम होगी। ड्रॉप डालने के बाद और फंडस होने के बाद आपको 2 घंटे तक मिनिमम ना ड्राइविंग करनी है ना कुछ करने, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल मतलब आपको बहुत डिस्टर्बेंस होगा। okay. आपकी आंख में सनलाइट आने के बाद थोड़ा इच्छा होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। वो होने के बाद मैं सजेशन दूंगा वहाँ से आप जाइए रेलवे स्टेशन, आप जो भी रूम बुक किए उस रूम में रुकिए। सुबह फिर से मॉर्निंग में 5:30 को आपको वहाँ से ये इंटरसिटी है, इंटरसिटी, जो सेम इंटरसिटी जो 9:30 को यहाँ पे
फिर से आपको गुंटूर में पहुंचा देती है मॉर्निंग 9:30 में। तो वहां से क्या कीजिए आप कि वहां से आप करवाने के बाद फिर से वापस गुंटूर आना है। तो गुंटूर आ करके जैसे आप वो भी लेटर सील करके देगा, लेटर आप जैसे उनको देंगे वो आपको फिर बोलेंगे ठीक है आप बैठिए, 2:30 बजे आपका मेडिकल होगा। 2:30 बजे बैठा के रखेंगे, 2:30 बजे डॉक्टर साहब जैसे ही फ्री होंगे तो आपका जो है लेटर खोलेंगे, लेटर खोलने के बाद देखेंगे उसमें रिमार्क क्या है। अगर उसमें आप फिट हैं वहाँ जो सेंटर हॉस्पिटल में अगर फिट कर दिया है, जैसे मेरा फिट किया A2 एंड अबव कर विथ ग्लास कर दिया, क्योंकि मैं एक सर्विसमैन हूँ, एक सर्विसमैन वाले ध्यान से सुने कि उनका अगर विथ ग्लास A2 विथ ग्लास है तो भी फिट माने जाएंगे। तो उनका फिट करके जैसे मेरा फिट करके आज मेरे को बोल दिया कि ठीक है आप घर जाइए आप फिट हैं। अगर और मेरे में से 6 बंदे में से हम लोग 3 बंदे तो 2 बंदे हम एक सर्विस मैंने दोनों को फिट कर दिया, दो और एक बंदे अब्सेंट लड़की थी वो अब्सेंट हो गई थी सर। तो वो कल आएगी और 3 बंदों को यहाँ से विजयवाड़ा जो कमेटी बनी है उस कमेटी के बाद रिफ़र कर दिया। इसमें क्या होता है, मेरा जैसा नॉर्मल कैंडिडेट से वो एक्सर्विसमैन से नहीं है, यहाँ A2 चेक कर रहा है, B2 की C2 की नहीं चेक कर रहा है, केवल A2 के लिए चेक कर रहा है, क्योंकि ऑफिशियल से A2 चेक करवा दो उसका ये बोला है सर। ओके, किसका A2 नहीं है तो उसका गुंटूर से सिकंदराबाद जाना पड़ता है, वहाँ चेक करना पड़ता है, फिर सिकंदराबाद से वापस गुंटूर आना पड़ता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो सिकंदराबाद में अब चेक किया गया वो लेटर दे गएगा, गुंटूर में आप देखना पड़ता है वो लेटर, इस लेटर पर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको सेलेक्ट कर दीजिए, ऐसा रहता है। इसमें ऐसा नहीं है तो फिर विजयवाड़ा भेजेगा, फिट है तो गुंटूर से सीधा घर भेजिए आपके, ऐसा रहता है। हाँ, अगर फिट है तो मैं घर जा रहा हूँ। तीन लड़के जो अनफिट हुए वो सिकंदराबाद में भी अनफिट हुए, उनको विजयवाड़ा यहाँ इस सेक्टर का जो है विजयवाड़ा 3-मेंबर कमेटी हुई गठित हुआ है, जिसका बोर्ड बैठेगा सिकंदराबाद विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा में आपको जाके मंडे को अब रिपोर्ट करना है, क्योंकि सैटरडे और संडे को बंद रहता है, इसलिए मंडे को वहाँ रिपोर्ट होगा। रिपोर्ट होने के बाद वहाँ नंबर लगेगा और जो 3-मेंबर कमेटी है वो क्या डिसीजन लेती है अभी उनके ऊपर है सर। लेकिन जो 3-मेंबर कमेटी का जो प्रपोजल है, जब आप मेडिकल देने जब आप डीबी करवाने आएंगे उसी समय एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसमें ये मेंशन कर रखे हैं थर्ड ये मेंशन कर रखे हैं अगर आप हायर मेडिकल स्टैंडर्ड आप नहीं अचीव करते हैं तो आपको 3-मेंबर कमेटी के पास जाना पड़ सकता है। उसी के रिगार्डिंग ये लोग 3-मेंबर कमेटी के पास भेज रहे हैं, अगर जो बंदा अनफिट हो रहा है तो। और एक सर्विस मैन का क्या है, अगर 6x12 6x18 है तो भी उनका विथ ग्लास के साथ उनको फिट कर दे रहे हैं, A2 एंड बिलो विथ ग्लास ये रिमार्क दे करके फिट करके घर भेज दे रहे हैं। ये है कंडीशन सर आपके। हमका मेरा जैसे कैंडिडेट्स नॉर्मल कैंडिडेट्स है उसका केवल एक मार्क में 81 मार्क्स में, सपोज मेरा मार्क्स 81 बट आई सेलेक्टेड फॉर गुड्स गार्ड इन मेडिकल एग्जामिनेशन बट आई अनफिट फॉर A2 मेडिकल बिकॉज ऑफ आई यूजिंग ग्लासेस आई हैव साइट। ओके, व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ माइन, माई A2 में सेलेक्ट किया ना और A2 नहीं है तो B2 में सेलेक्ट किया ना, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अगर आपने ऑफ किया है गुड्स कार्ड जिसमें जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, अगर नॉर्मल कैंडिडेट है आप क्वालिफाई हैं, अगर आप जो है A2 स्टैंडर्ड नहीं करते हैं अचीव तो आपको वही सेम प्रोसेस आपको सेंट्रल हॉस्पिटल भेजेगा, वहाँ से चेकअप के बाद दोबारा आना पड़ेगा, फिर यहाँ आपको रिफ़र करेगा अपने विजयवाड़ा रिफ़र करने के बाद वहाँ पे फिर से आपका 3-मेंबर कमेटी के पास प्रेजेंट होंगे, वहाँ सिविल सर्जन से लेकर हर कोई होगा, वहाँ पे आपको 1 से 2 दिन लग सकता है, वहाँ चेकिंग होगा। अगर उसमें आप लोअर मेडिकल कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो उसमें आपकी कैटेगरी डाउन करके A2 से B2 या C2 किया जाएगा। उस सिचुएशन में अभी सिकंदराबाद जोन ने कोई कटअप जारी नहीं किया है, अभी कटअप जारी करने के बाद ये पता चलेगा कि क्या उनका लोअर मेडिकल में सीट रिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। ये तो फ्यूचर की बात है सर। सर चला धन्यवाद सर मेरा चैनल का आपको इंटरव्यू देने के लिए। पूरा डिटेल्स हिंदी सब्सक्राइबर्स के लिए पहुंच गया सर। मेरे के बारे में एक बार बताइए सर, मेरा चैनल के बारे में। ओके सर, सर मैं ये पूरे सिकंदराबाद डिवीजन में मैं भी यूट्यूब देखता हूँ, मैं एक आर्मी पर्सन हूँ, ये गुंटूर पूरे
सिकंदराबाद डिवीजन में एक ही है नानी टेक चैनल जो यूट्यूब पे, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन और इंटरव्यू लाइव करवा करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको लास्ट में मेंशन कर देता हूँ, अगर आपको रिफ़र करता है तो आपको 8 से 10 दिन भी लग सकता है, तो उसी हिसाब से आप लोग अपना मनी का अरेंजमेंट करके आइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। आपके कितना हो चुका है सर, कितना मनी खर्च? अभी तक मेरा तकरीबन, आज फ्राइडे है मेरा, मैं मंडे से आया हूँ, तो तकरीबन अभी तक मेरा 10 से 12 हज़ार रुपया खर्च हो चुका है। अगर आप और भी लंबा, जैसे हम जाते हैं मेंबर 3 मेंबर कमेटी के पास, तो वहाँ 2 से 3 दिन भी लग सकता है। इसलिए आप भाई उसी हिसाब से, अगर आपका चश्मा लगा हुआ है A2 या बिलोंग लाई नहीं करते हैं, तो उसी हिसाब से आप अपना खर्च भी लेके आइएगा यहाँ, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। 20,000 से लगभग 20,000 लगभग 20,000 अगर आप अनफिट हैं तो। ओके, उसके बाद से मैं यही बोलूँगा कि एक नानी टेक यूट्यूब चैनल ऐसा है जो कि पूरे सिकंदराबाद डिवीज़न को कवर कर रहा है। इसके सिवा कोई भी चैनल सिकंदराबाद डिवीज़न को कवर नहीं कर रहा है। इसलिए मेरा एक सर्विस है, एक सर्विस मैन मैं आप सभी सब्सक्राइबर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नानी टेक चैनल को आप सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और इनका कुछ हमारी तरफ से जो भी मदद हो सके करें, क्योंकि इनका भी घर यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, और वो आते हैं डेली इनके सफ़र करने के लिए। थोड़ा बहुत हमारी तरफ से जो भी है, 1, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो भी हो, हम मदद करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए कर रहे हैं, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन आपके घर तक पहुँच जाए, ताकि जब आए DB के लिए या मेडिकल के लिए, तो आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसीलिए मैं आप सभी से, मैं अपनी तरफ से पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इनको थोड़ा बहुत मदद कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सर। ओके सर, और कोई बात कर आने वाले सब्सक्राइबर्स को, आने वाले हिंदी स्टूडेंट्स को, और कोई बताना आप चाहते हैं तो? मैं यही हिंदी सब्सक्राइबर से यही बोलना चाहता हूं, आप आइए यहां, यहां पे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे, हम UP के तरफ क्या है, ठंडी पड़ रही है, इसलिए आप यहाँ कंबल वम्बल नहीं भी लेके आएंगे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ ठंडी नहीं पड़ती है, और अपना पैसे का उसी अनुसार अरेंजमेंट करके आइएगा। हाँ, आप ये मान के चलिए, अगर आप मेडिकल फिट भी हैं तो भी 4 से 5 दिन लग सकता है, उसी हिसाब से आप आइए। गुंटूर में केवल 1 दिन रह, अगर आप मेडिकल फिट हैं तो आपको गुंटूर में 1 दिन में मेडिकल होगा, 1 दिन में DB होगी, और 1 दिन बीच में, 3 दिन में आप घर जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अनफिट है तो 10 दिन लगेगा। हाँ, अनफिट है, अगर आप अनफिट है, रिजर्व कैटेगरी से नहीं है, तो आपको 10 दिन भी लग सकता है। अगर आप एक सर्विस मैन है तो 5 से 7 डेज भी लग सकता है, क्योंकि आपको सिकंदराबाद जाना ही पड़ेगा। हाँ, सब्सक्राइबर्स मैं बोल रहा हूँ, गुंटूरू में 1 दिन में पूरा मेडिकल कंप्लीट हो चुका है, बट गुंतकल्लू, विजयवाड़ा, नांदेड़ कहाँ पर भेजो, ओके ना, सिकंदराबाद भी भेजो, केवल एक ही गुंटूर मेडिकल है, 1 दिन में करवा दिया, सभी अलग स्टेशन से है ना, वो 4 से 5 दिन लगेगा आपकी मेडिकल करवाने के लिए। मेरा हिसाब से बेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल है गुंटूर, केवल 1 दिन में पूरा कर रहा है। आपके रिजल्ट भी इवनिंग 5 बजे में, आपकी पूरा रिजल्ट्स, आपके क्या हुआ इसके कारण बताने वाले हैं गुंटूर मेडिकल। बट विजयवाड़ा, गुंतकल्लू, नांदेड़ में ऐसा नहीं है, 2 दिन से 4 दिन कन्फर्म लगेगा, ठीक है ना? आपकी गुंतकल्लू, तिरुपति, नांदेड़, विजयवाड़ा, सिकंदराबाद कहाँ पर आप जाओ, 2 दिन से 4 दिन कन्फर्म लगेगा। हाँ, वो तो है। सिकंदराबाद वाले बंदे, जब हम गए थे कल अपना मेडिकल करवाने के लिए, तो जो हम लोगों के साथ DB कराए थे, उनका अभी तक पेपर साइन नहीं हुआ था, लास्ट अभी तक बाकी था। तो सिकंदराबाद में भी 3 से 4 दिन लग जा रहा है जो बंदों का सिकंदरा, बट आप कंप्लीटेड है अभी। हाँ बिल्कुल, A2 होने वाला, A2 बंदे को भी 3 से 4 दिन सिकंदराबाद में लग रहा है। लेकिन जबकि गुंटूर डिवीजन में अगर आप फिट हैं तो 1 डे में आपको कंप्लीट करके भेज रहा है। यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में भी बात करेंगे, आप लोग इंग्लिश में भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल पूरा स्टाफ कोऑपरेटिव है, छोटा स्टाफ है लेकिन बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा हिंदी सब्सक्राइब करके आप पूरा डिटेल्स पहुंच गया, वो खुश हो गया आप वीडियो देखकर। थैंक यू सर, मेरा नाइनटेक विंडोज़ के चला धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, आई वुड लाइक करें हिंदी पर्सन्स को मेरा वीडियो शेयर करें फ्रेंड्स। उठा।